नमस्कार, मैं हूँ विकल्प उदेशी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 लोकल। जी हाँ, आज बरेली में रजा मुराद जी आए हुए हैं और मेरे विशेष आग्रह पर उन्होंने इंटरव्यू के लिए समय दिया है। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा वतन रामपुर है, बरेली मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी से तो बहुत लगाव होता ही है, प्यार होता है। हमेशा बरेली को मैंने अपने दिल के करीब समझा है और जब भी मौका मिला है मुझे बरेली आने का तो मैं आया हूँ। और अपना सा लगता है, लोग अपने से लगते हैं, शहर अपना सा लगता है, बड़ी अपनाइत है, बड़ी मेहमान नवाजी है। हमेशा मैं चाहता हूँ कि बरेली बात करूँ। सर, जिस तरह से मैंने भी आपकी मूवीज काफी देखी है, मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, तो सर आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट मूवी रही है? और बरेली में, यूपी के आप रहे हैं, तो बरेली में क्या रोजगार जो युवाओं को भी कहना चाहेंगे, बच्चे किस तरह से कला के क्षेत्र में आगे बढ़े? सर ये मेरा देखिए, ऐसा है कि कला जो है, अभिनय जो है या फिल्म मेकिंग है, अभिनय कला जो है ये कुदरती होती है, उसको निखारा जा सकता है। लेकिन अगर आप में कुदरती तौर पे है ही नहीं तो उसे निखारा भी नहीं जा सकता है। जैसे क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, शौकिया तौर पे खेलते हैं, कॉलेज की टीम से खेलते हैं, यूनिवर्सिटी से खेलते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, उसके बाद उन्हें टेस्ट मैच, रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिलता है। रणजी ट्रॉफी के बाद यह सब आता है। इसी तरीके से जो अभिनय है, शौकिया करना अलग बात होती है, लेकिन अगर आप इसे अपना पेशा बनाना चाहते हैं उसके लिए आपके बहुत टैलेंट होना चाहिए। जैसे हमारे मुल्क की आबादी जो है वो 140 करोड़ की है, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 140 एक्टर्स के नाम बताएं जो स्टेब्लिश है, तो आपको जहन पे बहुत जोर देना पड़ेगा। तो रेशियो जो है करोड़ टू वन का है, तो वो टैलेंट होना चाहिए। कॉलेज का प्ले कर लेना अलग बात है, शौकिया प्ले करना अलग बात है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि आपको कलाकार बनना है, फिल्मों में आपको अभिनय करना है, उसके लिए बहुत टैलेंट चाहिए। उसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट चाहिए। तो पहली बात यह है कि आपको, आप में जो एक तुलना करने की क्षमता है कि मुझ में कितना टैलेंट है, वो होना जरूरी है। महत्वाकांक्षा इतनी है और टैलेंट इतना है तो मुलाकात ना हो। तो टैलेंट, टैलेंट के साथ तब्दील, तब्दील के साथ मेहनत। ऐसा नहीं है कि एक कलाकार जो है वो पेड़ों से उगता है या जमीन से निकलता है, इसी समाज का एक हिस्सा होता है। आपके यहां की प्रियंका चोपड़ा है, पूरी दुनिया में उनका नाम, तो उनमें बात थी, उनमें एक्टिंग की क्षमता थी, खूबसूरती थी, बहुत अच्छा डांस करती थी, तो वो आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार होगी। कहने का मतलब ये है कि छोटे शहरों से भी लोग आते हैं, जैसे शाहजहांपुर से राजपाल यादव आ गए, रामपुर से मैं आ गया। तो आप में सुपर टैलेंट होना चाहिए, और अगर आप मुंबई आते हैं तो कोई आपके लिए रेड कार्पेट बिछा के खड़ा नहीं रहेगा, वहां जगह है नहीं, आपको जगह बनानी है। जैसे एक ट्रेन खचाखच भरी होती है तो ट्रेन में जगह होती नहीं, आपको बनानी होती है, कोई वहां आपका स्वागत नहीं करता खड़े होते, आपको जगह बनानी होती है। फिर आपको खड़े रहने की जगह मिलती है, फिर आपको बैठने की जगह मिलती है, फिर आपको विंडो सीट मिलती है, तो कोई आपको बुला नहीं रहा है, आपको निमंत्रण नहीं कर रहा है, जगह तो आपको खुद बनानी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे साथ रजा मोराजी देखते रहे बने रहे लोकल एक टीम विकल्प देशिया बरेली।